हेलो फ्रेंड्स, रेनाडो बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो मैच खेला जाना है उसके बारे में। तो नो डाउट इंग्लैंड यहाँ पे जीत जाएगी, डायरेक्ट मैच हो जाएगा। बाकी जिस रेट पे आपको लगाना है, जो रेट पे एंट्री लेना ले सकते हैं इंग्लैंड विन पे। मैच में काम होगा सेशंस का, सेशंस हमारा ज़बरदस्त चल रहा है। आज भी सारे सेशंस पास रहे जो भी हमने दिया है मेरे भाई। आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको सेशंस जानना है तो राठौर प्रिडिक्शन 07 सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, वहाँ जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई। डेमो वहीं आता है, मैच प्रिडिक्शन से रिलेटेड काम वहीं पे आता है मेरे भाई। 7428525767 यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के अलावा हम लोग किसी नंबर से कोई नहीं करते हैं काम। तो इसके अलावा कोई भी नंबर कहीं भी दिखे तो सब फ्रॉड है, बहुत स्कैम है, हमारे नाम से बचिएगा मेरे भाई। 15 अक्टूबर 2 बजे इकलौता मैच है कल, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाने वाला है। वेदर रिपोर्ट में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो 35 डिग्री का टेम्परेचर है, चांसेस ऑफ रेन निगेटिव है, ह्यूमिडिटी क्वाइट लो है, उतना ड्यू फैक्टर भी प्रिवेल नहीं करेगा जिसकी वजह से सेकंड बैट को एडवांटेज हो। वेन्यू बहुत छोटा है, स्मॉल डायमेंशंस है, फ्लैट डेक है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है मेरे भाई। सीधा सीधी यही समझिए कि जैसा पिच होता है उसी हिसाब से मैच घटता है। तो पिच जो है वो थोड़ा सा फ्लैट डेक है, हाई स्कोरिंग है, बहुत छोटा ग्राउंड है, इंग्लैंड फर्स्ट बैट पर आ जाएगी। तो सेशन टीम समझ लीजिए कि सेशंस ऐसी होंगे मोस्टली। ये नहीं सोचना कि राशिद खान आ गया या मुजीब आ गया तो सेशंस नोट कर देगा। इन लोग का आदत भी ऐसे ही कि खेलो फास्ट, और उसमें ऐसा पिच मिल जाए जो इंग्लैंड कंडीशंस, ट्रेंट ब्रिज जैसा पिच वहाँ पे तो ऐसा प्रोवाइड करेगी, 400 भी लगते हुए देखने को मिल सकता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा सेशंस खेलते समय, 300 तो मस्ट है इस वेन्यू पे, 300 नहीं मारेगा तो हार जाएगा टीम। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट बैट करते हुए टीम यहाँ पे, सॉरी टोटल 26 मैच हुआ, 13 बार फर्स्ट बैट, 13 बार सेकंड बैट जीती। एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 243 का है, हाईएस्ट स्कोर है अफ्रीका का 428/5, और साउथ अफ्रीका का ही लोएस्ट भी है मेरे भाई। स्कोरिंग पैटर्न का बात कर लेते हैं तो 200 से नीचे 7 बार लगा है, 200 249, 8 बार लगा है, 250 299, 8 बार लगा, और अबव 300 3 बार लगा है मेरे। लास्ट 3 मैचेस में देख लेते हैं कैसा बॉलिंग में कौन ज्यादा विकेट ले रहा है फास्टर या पेसर, ताकि टीम में उसी हिसाब से बनाया जा सके मेरे भाई। और यहाँ पे पहला जो मैच हुआ 272 ने अफगानिस्तान ने मारा, इंडिया इजली चेस करके 8 विकेट से, पेसर्स को 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में और स्पिनर्स को 1 विकेट सेकंड इनिंग में। एक भी विकेट पेसर्स को नहीं मिला, स्पिनर्स को 2 विकेट मिला। दूसरा मैच देख सकते हैं 428 साउथ अफ्रीका, श्रीलंका चेज नहीं कर पाई, 326 ही मारी, 202 रन से यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत गई। पेसर्स को 4 विकेट फर्स्ट इनिंग में, स्पिनर्स को 1, पेसर्स को अगेन 8 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिला मेरे भाई सेकंड इनिंग में। तीसरा मैच देख लेते हैं मेरे भाई, तो साउथ अफ्रीका 99 पे ही ऑल आउट हो गई, इंडिया 105 रन मार के चेज कर गई 7 विकेट से, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 4, पेसर्स को 1, स्पिनर्स को 1 सेकेंड इनिंग में। टोटल 26 विकेट है पेसर्स को, स्पिनर्स को 21 11 विकेट है। वेल्यू छोटा है मेरे भाई, स्पिनर्स के लिए उतना कुछ है नहीं इस वेन्यू में, फ्लैट डेक है, तो विकेट ज्यादातर फास्टर्स को ही मिलेंगे मेरे भाई। तो फास्टर्स को ज्यादा पिक कर सकते हो क्योंकि मेरे भाई स्पिनर्स को खेलना आसान हो जाता है, क्लियर करना आसान हो जाता है, ज्यादा रन के लिए जा सकते हैं स्पिनर एज कम्पेयर टू फास्टर्स मेरे भाई। तो एक प्लेयर कोई ना कोई, अगर आपको 65 रन भी दिख रहा है तो यस कर दिए कि हाँ एक बॉलर इतना रन देगा ही देगा। यहाँ 100 100 रन लग रहे हैं मेरे भाई एक एक बॉलर को 10 ओवर में मेरे भाई। बुमराह जैसा प्लेयर 80 90 रन के लिए जा रहा है, फैंसी टिप्स में बता दे रहा हूँ आपको। हेड टू हेड में 2 मैच हुआ है, दोनों इंग्लैंड जीती है मेरे भाई। दिल्ली में यहाँ पे इंग्लैंड 4 मैच खेली हुई है इस वेन्यू पे, 2 बार जीती 2 बार हारी है, तो ऐसा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस इंग्लैंड का नहीं, 50% का विन रेशियो है। वही अफगानिस्तान एक खेली और एक वो हारी है मेरे भाई। इंग्लैंड जो बात कर लेते हैं, 2 मैच जीती है उसमें से एक अपने होम ग्राउंड पे जीती है, एक न्यूट्रल वेन्यू पे जीती है। बाकी रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं इंग्लैंड का, विन है लॉस है विन है विन है विन है, तो 4 मैच जीत के आ रही है लगातार में, 5 मैच हार के आ रही है मेरे भाई। नो डाउट इंग्लैंड इज द फेवरेट एंड विल बी द फेवरेट टू विन दिस मैच। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 का मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, रहमत शाह, हसमतुल्ला सईदी, नजीबुल्ला जदरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमर जई, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीनुल हक और फजल हक फारूकी। बाकी इंग्लैंड की तरफ से जॉनी वेस्ट, डेविड मिलान, जो रूट, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, लियम लिंगस्टोन, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, रीस टॉपली। तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है दोनों ही टीम का मेरे भाई। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्लेयर बैटल में कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है, उससे पता चलेगा कि किस प्लेयर को 50 मारने का चांस ज्यादा रहेगा फैंसी टिप्स में, या 100 मार सकता है कितना प्लेयर, तो उस हिसाब से फैंसी भी खेल सकते हैं। हाई स्कोरिंग है तो 3 से 4 यहाँ पे 50 आपको लगते हुए देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई, तो वो आप वहाँ पे यस कर सकते हो, ये भी एक फैंसी टिप आपके लिए रहने वाला है। तो रहमानुल्लाह गुरबाज का लास्ट 5 में देखिए 21 47 4 1 5, तो लास्ट 5 में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये 2 मैच हटा दीजिए, उससे पहले तो और घटिया परफॉर्मेंस ही है। हेड टू हेड नहीं खेला है, वेन्यू पे नहीं खेला है। रहमत शाह 16 18 45 33 0, ये प्लेयर ठीक है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आउट ऑफ फॉर्म है मेरे भाई। कैप्टन नहीं, इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिए, ग्रैंड लीग में हो सकता है खेल सकते हैं, बॉलिंग भी करते हैं मेरे भाई। 1 मैच में 46 रन 46 का एवरेज है, वेन्यू पे भी खेला है 16 रन है,
ठीक है, यही जो फर्स्ट वाला है ये वेन्यू पे है, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, इनका भी 21 रन इसी वेन्यू पे खेला है। इब्राहिम जनरल 22-7-75-0, प्लेयर बहुत अच्छा है मेरे भाई, अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, इसके साथ आप जा सकते हैं कैप्टन में, हेड टू हेड में ठीक ऑप्शन रहेगा। बाकी एक मैच में यहीं पे खेला है, 22 रन है, हेड टू हेड में नहीं खेला है। हसमतुल्ला साइदी 80-18-59-51-13, ये प्लेयर देख रहे हैं कि लगातार में परफॉर्म कर रहा है, दो इनिंग हरा दी 18 और 13 का मेरे भाई। तो बाकी यहाँ पे एक मैच में 76 रन है, 76 का एवरेज है, 76 हाईएस्ट है वर्सेस इंग्लैंड, तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है ये। बाकी सबको छोड़िए, अगर आपको अपोनेंट में कैप्टन बनाना है हेड टू हेड में तो वाइस कैप्टन इनको ट्राई कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। बाकी इसी वेन्यू पे 80 रन का कंट्रीब्यूशन था इनका लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ। नजीबुल्ला चतरान का बात कर लेते हैं मेरे भाई, एकदम आउट ऑफ फॉर्म है, ड्रॉप करके चल सकते हैं, 2-5-23-17-10 बॉलिंग करते नहीं, एकदम नीचे आते हैं, बेकार का टीम इनको ढो रही है, दो मैच में 27 रन है, 27 के एवरेज से 15 हाईएस्ट है, एक मैच यहाँ पे खेला वेन्यू पे 2 रन है। मोहम्मद नबी आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग से, 19-6-65-3-3 विकेटलेस भी है मेरे भाई लास्ट 5 मैच में, ड्रॉप करके चल सकते हैं, बहुत रन के लिए जा सकते हैं, दो मैच में 25 रन है, 16 हाईएस्ट है, 12-12.5 का एवरेज है मेरे भाई। राशिद खान का बात करें तो 16-9-27-14-16, 2 विकेट लास्ट मैच में भी निकाला है, उससे पहले 0-2-0-1, तो हर मैच में विकेट निकालते हैं, यही एक लौता ऐसा बॉलर है जो यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है और थोड़ा बहुत बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इनको पिक कर सकते हैं। इस मैच खेले हैं, विकेटलेस रह गए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, काफी रन के लिए गए थे वो मैच में वर्ल्ड कप में, याद होगा। अजमतुल्ला उमर जय अच्छा प्लेयर लग रहा है, बैट से भी बॉल से भी ऊपर आके खेल रहा है, 62-22-16-56-2 मस्त पिक प्लेयर रहेगा ऑलराउंड डिपार्टमेंट में, विकेटलेस था लेकिन एक विकेट है, फिर 0-0-0 है, बाकी हेड टू हेड में नहीं खेला, एक मैच में वही 62 रन है, इस वेन्यू पे बॉलिंग भी करके देता है आपको, तो इनको पिक कर सकते हैं। मुजीबुर रहमान विकेटलेस विकेटलेस, बाकी लास्ट 3 मैच में एक एक विकेट है, एक मैच है हेड टू हेड में विकेटलेस ही रह गए थे, तो इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ना स्पिन होता है ना इनसे अभी बॉलिंग में अच्छा रिदम फाइंड नहीं किया है। नवीन उल हक विकेटलेस 1 विकेट 4 विकेट 3 विकेट, तो इस मैच को हटा दीजिए, बाकी हर मैच में परफॉर्म किया है, इनको पिक कर सकते हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फजल हक फारूकी से तो बेटर ही दिख रहे हैं, हेड टू हेड नहीं खेला है मेरे भाई, एक मैच खेला है वही लास्ट मैच वेन्यू पे विकेटलेस चले गए थे। फजल हक फारूकी का बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे तो लास्ट मैच में विकेटलेस 1 विकेट 0-0 फिर विकेट 1 विकेट, तो यहाँ पे ये भी उनका अच्छा फॉर्म नहीं है, हेड टू हेड पे नहीं खेले हैं, तो इनसे बेटर ऑप्शन नवीन उल हक के साथ जा सकते हो। जॉनी बेयरस्टो का बात कर लेते हैं अब इंग्लैंड टीम की तरफ से मेरे भाई, 52-33-13-06 वाइस कैप्टन बना लीजिए ग्रैंड लीग में, बहुत अच्छे ऑप्शन है, लग रहा है बड़ा खेल सकते लेकिन आउट हो जा रहे हैं मेरे भाई, टच अच्छा दिख रहा है इनका, वही होगा रोहित शर्मा जैसा 100 भी मार देंगे, तो इनको कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, 2-3 टीम बनाते हो तो। एक मैच में 90 रन है, 90 का एवरेज है, 90 हाईएस्ट है, तो बहुत जबरदस्त फॉर्म है अफगानिस्तान के खिलाफ मेरे भाई, इस वेन्यू पे एक मैच खेला है, 35 रन है। जो रूट 82-77-29-4-0 लास्ट 3 मैच हटा दिए, लास्ट 2 मैच में फॉर्म में आ चुके हैं, 2 मैच में 88 रन है, 88 हाईएस्ट 88 एवरेज है, वेन्यू पे नहीं खेला है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए हेड टू हेड में। डेविड वलाल बेस्ट फॉर्म में 140-14-127-96-54 मेरे भाई, पिक करके चल सकते हो कैप्टन में, बहुत अच्छे ऑप्शन है हेड टू हेड के लिए, ठीक है, हेड टू हेड में नहीं खेला है वेन्यू पे नहीं खेला। हैरी ब्रुक आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, 20-25-10-2-25 इनको आप हटा के चल सकते हो, बाकी हेड टू हेड नहीं खेला है वेन्यू पे नहीं खेला है इन्होंने। आगे चल सकते हैं मेरे भाई, जॉस बटलर का बात करते हैं, विकेट गिरता है तो ऊपर आके खेलेंगे और अच्छा परफॉर्म करके देंगे, 20-43-36-38-30 बाकी यहाँ पे 2 मैच में 2 ही रन है, एवरेज ठीक ठाक है, मतलब बहुत खराब है सॉरी। सैम गर्डन 11-14-20-3-42 तो बैट्स उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे लेकिन हर मैच में विकेट निकाला, लास्ट 4 मैच में एक मैच में बस विकेट नहीं निकाला, ए टू एट नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। लिविंगस्टोन 0 पे आउट हो गया, 20-28-11-95 बॉलिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लास्ट मैच में विकेट निकला है 1 विकेट 0-1-3 बॉलिंग नहीं किया मेरे भाई, हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे भी नहीं खेले हैं। क्रिस वोक्स 14-11-3-4-34 बाकी लास्ट मैच में विकेट निकाला, उससे पहले विकेटलेस थे, फिर 3 विकेट 0-1 इनका रिदम उतना अच्छा लग नहीं रहा है फास्ट बॉलिंग में, ड्रॉप करके चल सकते, एक मैच खेला है विकेटलेस रह गए थे मेरे भाई इस मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे प्लेयर खेले ही नहीं क्योंकि 2 ही मैच तो इन दोनों के बीच में हुआ है अभी तक ODIs में। आदिल रशीद 1 विकेट 0-1-2-4 इनको पिक कर सकते हैं, ये अच्छा प्लेयर हो सकता है, ये टाइट बॉलिंग कर सकते हैं, हेड टू हेड में भी आप देख सकते हैं 1 मैच में 3 विकेट तो मस्त पिक प्लेयर रहेगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में। मार्क वुड 1-0-0-2-0 ये भी उतना रिदम नहीं फाउंड कर पा रहे हैं लेकिन ये अच्छा बाउंसर मारेंगे जो स्ट्रगल करेगा अफगानिस्तान को, तो इनको आप पिक कर सकते हैं, 1 मैच में 2 विकेट भी है मेरे भाई। रिस्टॉपली 4 विकेट लास्ट मैच में 0-2-3-0 ये भी जबरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये दोनों फास्ट बॉलिंग का बेटर ऑप्शन है लेकिन रिस्टॉपली के साथ आप जा सकते हो, अच्छा पॉइंट निकाल के देंगे। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू पे नहीं खेला मेरे भाई। चलिए जो ड्रीम इलेवन टीम मैंने आपके लिए बनाई है मैं आपको बता देता हूँ किस प्लेयर को पिक करना है आपको ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से हेड टू हेड में और किसको पिक करना है मेरे भाई आपको यहाँ पे।
ग्रैंड लीग में। बाकी आप देख सकते हैं जॉनी बेस्ट और रेमन गुड़वाज को पिक कर रहा हूँ। विकेट के ऑप्शन में बैटिंग में जो रूट, हजमतुल्ला सैदी, डेविड मलान, इब्राहिम चतरान के साथ लिविंगस्टोन, सैम करन, अजमतुल्ला उमरजई, मार्क वुड और राशिद खान। तो ये टोटल प्लेयर मैंने पिक किया है। कैप्टन में मैं यहाँ पे डेविड मलान को पिक कर रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन है हेड टू हेड में, क्योंकि लगातार में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 200 है लास्ट 5 मैच में मेरे भाई। वाइस कैप्टन अगर बात करें तो अजमतुल्ला उमर जई के साथ जा सकते हो। विकेट गिरेगा ही अप फ्रंट, तो ये नीचे आके अच्छा खेल सकते हैं, प्लस एक दो विकेट निकाले तो अपोनेंट टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है वाइस कैप्टन के लिए, इब्राहिम चतरान हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 मैच में 22 रन मारा है इनका, बहुत जबरदस्त फॉर्म है, क्लासिकल बैट्समैन है मेरे भाई। बाकी अगर ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन में चूज करना है मेरे भाई, तो जॉनी बेयरस्टो नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इनके साथ जाइए, ये बड़ा खेल सकते हैं किसी भी दिन। और वाइस कैप्टन अगर आपको चूज करना है मेरे भाई, तो हसमतुल्ला सईदी हो सकते हैं, लास्ट मैच 80 रन मारा फॉर्म में, लास्ट 5 मैच में 3.50 है इनका। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत जाइए। कोई भी चेंजेस होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं डेमो आता है, वहीं मैच प्रिडिक्शन आता है, वहीं सेशंस आता है, हफ्ते में क्या हर दिन आता है 2-3 सेशन, तो जाइए ज्वाइन करिए और काम का लेवल देखिए किस लेवल पर हम काम कर रहे हैं। और मोबाइल नंबर सेव करिए 7428525767 पे, कुछ भी चाहिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।